देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर लालकुआ से है। हल्द्वानी के लालकुआ क्षेत्र में कश्तकारों के लिए अपनी फसल में पानी पहुंचाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कई सालों से सिंचाई विभाग ने नहर और गूलों की सफाई नहीं की है। लिहाजा हालात ऐसे हो गए हैं कि नहर और गूल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। कहीं कहीं तो गूल का नामो निशान तक मिट गया है। स्थानीय ग्राम प्रधान और जनप्रतिनिधि भी क्षेत्रीय विधायक और प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं। इसके बावजूद किसानों को उनकी फसल के लिए सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त हो पाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि विधायक नवीन दुमका का कहना है कि यह काम पंचायतों के स्तर का होता है, फिर भी वह विधायक निधि से अपने क्षेत्र में नहर और गूल सुधार का कार्य करेंगे। आप देख रहे हैं लालकुआ से जफर अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। आपके चैनल के मार्फत मैं किसानों को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि सिंचाई विभाग और नलकूप विभाग और लघु सिंचाई विभाग तीन जगह से गूलें बनती हैं और ये तीनों विभाग इनका रखरखाव टूट फूट होने के बाद पुनर्निर्माण या जरूरत पड़ने पर पूरा तोड़ के नया निर्माण भी करते हैं। इसके अलावा जो ग्राम प्रधान के पास अपना बजट होता है उससे भी छोटी मोटी मरम्मत चरे ठीक करना ताश खुलावा लगाना ग्राम प्रधान के स्तर से भी ये काम किया जाता है। सामान्यतः गांव के अंदर बनने के बाद गूलें काफ़ी समय तक चलनी चाहिए, लेकिन कई कारणों से टूट फूट हो जाती है। अभी कुछ जगहों पर नलकूप विभाग ने मरम्मत का काम किया है, सिंचाई विभाग ने भी कुछ जगह पर तोड़ करके पुनर्निर्माण का काम किया है और अभी दो दिन पहले लगभग 60 जगह माइनर इरीगेशन लघु सिंचाई की तरफ से टेंडर निकले हैं, उनमें से अधिकांश मेरी विधानसभा के हैं। तो ये सब लोग इन काम को करते रहते हैं, मनरेगा से भी ये काम कराया जा सकता है। एक ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभी इस साल ठीक करा रही है, अगले साल ट्रैक्टर की वजह से हाथियों का गाँव में आना हो रहा है, उसकी वजह से किसी अन्य कारण से टूट जाती है तो फिर वो मरम्मत की समस्या खड़ी होती है। कुल मिलाकर के सरकार भी इस काम को कर रही है, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं होंगे और कहीं कहीं पर मेरे संज्ञान में आता है तो मैं अपनी तरफ से भी निर्देशित करके इनको ठीक करवाने का प्रयास करता हूँ। फिलहाल अभी जब से हम प्रधान बने हैं तब से तो ये कोरोना महामारी का प्रकोप है और हमने देखा कि मैं 15 साल से इसको देख रहा हूँ कि 15 साल से ये नहर कच्ची है और किसी विभाग की इसमें जो है नज़र भी नहीं पड़ी। अभी तो आप इस नहर को साफ देख रहे हैं और ये जो घास देख रहे हैं, घास के ये नहर के ऊपर जो कूड़ा कूड़े के ऊपर घास जम गई अब तो, और यहाँ ये जो लोग हैं यहाँ पर जो कूड़े में जी रहे हैं, हो सकता है कभी इनको पीलिया मलेरिया कुछ भी हो सकता है। इतनी बड़ी अभी किनारे की नहर चलती है तो बहुत बुरा हाल होता है कि चलने लायक नहीं होती है और ना यहाँ इतनी बदबू आती है कि यहाँ पर बिल्कुल आप पैदल चल नहीं सकते। हमने पूछा था मनरेगा से तो सफाई तो अभियान तो नहीं हो पा रहा और निर्माण का हो सकता है एनओसी लेके विभाग के कैनाल की विभाग के लेके एनओसी से हम बना सकते हैं पर और जनप्रतिनिधि तो 15 साल से नहीं तो कोई बनाई देता कोई ध्यान नहीं दे रहा है। फिलहाल अभी तक तो कुछ ये ग्राम पंचायत जगह मंगल हल्दी चौक।